हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। अब आपको बैक टू बैक स्क्वॉच गैम्बिट के बारे में गेम मिलेगी, ओपनिंग स्टडी करने को मिलेंगे। आज से हम शुरू कर रहे हैं हाउ टू प्ले अगेंस्ट स्क्वॉच गैम्बिट। वाइट से स्क्वॉच गैम्बिट काफ़ी स्ट्रांग मानी जाती है ओपनिंग, लेकिन उसका भी तोड़ है हमारे पास, उसका भी सारे वेरिएशन में आपको दिखाऊंगा हाउ टू प्ले अगेंस्ट स्क्वॉच गैम्बिट। स्क्वॉच गैम्बिट के सामने ब्लैक की ओर से आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से गेम खेलना है, तो कैसे खेली जाए, तो चलिए बुक और पेन लेके शुरू हो जाइए। यहाँ पे मूव ऑर्डर आपको लिखने भी है और अपने बुक में एंट्री करके आप उसमें प्रिपरेशन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। E4 E5 स्क्वॉच गैम्बिट जनरली E4 E5 नाइट F3 NC6 और D5 ये होती है स्क्वॉच गैम्बिट। दोस्तों इसी लाइन में मूव ऑर्डर बदल के भी हम स्क्वॉच गैम्बिट कर सकते हैं। हालांकि हम मैंने पहले बताया था कि NC6 वेरिएशन, जो प्लेयर NC6 खेलना चाहते हैं NC6 वेरिएशन से भी स्क्वॉच गैम्बिट कन्वर्ट हो सकती है। लाइक E4 NC6 मेरे इससे पहले की जो सीरीज थी NC6 सीरीज अगेंस्ट E4, उसमें भी कन्वर्ट हो जाती है स्क्वॉच गैम्बिट। वाइट अगर D4 खेलता है, ब्लैक से हम E5 खेलेंगे और वाइट यहाँ पे नाइट F3 करता है, तो ये हो गई वापस से स्क्वॉच गैम्बिट की मेन लाइन। यहाँ पे अब आपको कैप्चर करना है। अब मेन स्क्वॉच गैम्बिट में दोस्तों दो तरीके से खेली जाती है, नाइट टेक्स पॉन और दूसरा जो है बिशप C4। तो दोनों वेरिएशन के बारे में वन बाय वन हम देखेंगे। आज देखेंगे बिशप C4 जो बहुत ही अग्रेसिव अटैकिंग लाइन है वाइट की ओर से। सॉरी, यहाँ पे बिशप C4, अब हम यहाँ से शुरू करते हैं स्क्वॉच गैम्बिट की मेन लाइन। बिशप C4 अटैकिंग लाइन है। मैं आपको सबसे बेस्ट सजेशन करूंगा यहाँ पे बिशप C5। अब दोस्तों बिशप C5 के सामने मोस्ट कॉमनली रिप्लाई होता है C3, और दूसरा भी रिप्लाई हम देख लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि हर एक वेरिएशन आपको मिल जाए, कोई भी वेरिएशन मिस नहीं हो। C3 के बाद यहाँ पे बेस्ट चॉइस है नाइट टू F6। नाइट F6 यहाँ पे दोस्तों D टेक C3 पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखो ये पॉन मारना कभी नहीं आपको। D टेक C3 में क्या होगा, सिंपल आपका कैसल ब्रेक हो जाएगा, बिशप F7 सेक्रीफाइस आएगा आफ्टर किंग, और यहाँ पे क्वीन चेक और क्वीन टेक्स बिशप, तो ये पोजीशन ब्लैक के लिए काफ़ी खतरनाक रहेगी। तो यहाँ पे ध्यान रखो D टेक C3 आप कभी नहीं करना, यहाँ पे आपको बेस्ट रिप्लाई देना है नाइट F6। नाइट F6 के बाद यहाँ पे अलग अलग वेरिएशन है जो पहले देखते हैं, बिशप टू G5। बिशप G5 में आपको रिप्लाई देना है H6। अब देखो बिशप क्रॉस F6 करेगा तो क्वीन टेक्स F6, और सिंपली आप देख सकते हो कि ब्लैक सिंपली एक पॉन अप रहता है और कोई कॉम्पेंसेशन वाइट को नहीं मिलता इसमें, और आराम से ब्लैक ये गेम जीत सकता है पॉन प्लस ओके, क्योंकि आफ्टर पॉन टेक्स पॉन सिंपल बिशप टेक्स पॉन और सब पीसेस एक्सचेंज होने के बाद पूरी गेम ब्लैक के कंट्रोल में है। बिशप F6 के बदले अगर व्हाइट ने बिशप H4 किया तो भी आप प्लस हो रहे हो G5, बिशप G3 और यहाँ पे नाइट क्रॉस E4, तो ये भी ब्लैक के फेवर में गेम हो जाएगी पॉन प्लस, और आराम से गेम ब्लैक की विनिंग है। तो दोस्तों ये भी पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे बिशप G5 मेरे हिसाब से इतनी अच्छी मूव नहीं है। तो बिशप G5 के बदले समझो कि व्हाइट ने यहाँ पे कैसल कर लिया, तो कैसलिंग के बाद E5 की थ्रेट है, यहाँ पे आपको सिंपल नाइट E4 करना है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये तो बहुत ही रिस्की मूव है, रुक E1 आता है, नाइट पिन होता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है दोस्तों। RE1 में सिंपल आप यहाँ पे D5 करोगे आफ्टर बिशप मूव एनीवेयर, देन यू कैन सिंपली कैसल, और ये पोजिशन आपका डेवलप भी हो गया, नाइट भी सेव हो गया। हालांकि आपको एक पॉन वापस भी करना है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पोजिशनली कम्प्लीटली ब्लैक की फेवर में रहेगी। तो यहाँ पे RE1 के बाद मानो कि RE1 के बदले
हम देखते हैं यहाँ पे RE1 में कैसलिंग, कैसलिंग के बाद D5 CD4। सपोज यहाँ पे वाइट ने खेल दिया, जैसे कि बिशप D3 नहीं खेला और आपको काउंटर दिया CD4, तो यहाँ पे सिंपल बिशप D4 रुक पे अटैक कर दो। आफ्टर बिशप D2 यहाँ पे सिंपल आप कैसल कर लो और ये गेम कम्प्लीटली ब्लैक के फेवर में है। सेवंथ मूव में देखते हैं CD4 RE1 के बदले, अगर वाइट RE1 के बदले CD4 मारता है, पॉन टेक्स पॉन, CD4 में क्या करोगे आप? तो सिंपल यहाँ पे D5 काउंटर अटैक आफ्टर पॉन टेक्स बिशप। अब देखो यहां से क्या होता है दोस्तों, दो वेरिएशन है वाइट के पास, एक तो है क्वीन E2 और दूसरा वेरिएशन है सिंपल क्वीन टेक्स क्वीन। तो दोनों वेरिएशन में ब्लैक को क्या फायदा हो रहा है ये हम देख लेते हैं। जैसे कि पॉन टेक्स, अब यहां पे क्वीन E2 पहले देखेंगे, क्वीन E2 वाइट ने अगर क्वीन E2 किया तो यहां पे सिंपल बढ़िया सी मूव आपके पास है क्वीन D3। वाइट खेलेगा रुक E1 और सिंपल आपको खेलना है F5 आफ्टर नाइट C3 शॉर्ट कैसलिंग, नाइट टेक्स नाइट, पॉन टेक्स क्वीन टेक्स पॉन, क्वीन टेक्स क्वीन, रुक टेक्स क्वीन, और यहां पे भी ब्लैक को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए क्वीन E2 के बदले अगर क्वीन D8 किया, ट्रेड कर दिया मानो के कैसलिंग ब्रेक करने के लिए, तो वाइट ब्लैक को क्या करना है? क्वीन टेक्स सिंपल किंग टेक्स मारना फोर्स से, रुक D1 चेक, उसके बाद बिशप D7 इंटरपोज कर लो और बिशप D7 के बाद बिशप E3, क्योंकि ब्लैक का नेक्स्ट ट्रेड है नाइट C5, तो बिशप E3 ओनली ऑप्शन है। बिशप E3 के सामने किंग E7 और अब देख सकते हो आप कंप्लीटली गेम ब्लैक के हैंड में है। देखो 4-7 पॉन वर्सेस 6 पॉन, 1 पॉन अप भी है और यहाँ पे आप इस पॉन को बिशप E6 करके बचा भी सकते हो। 6 मूव में हम देखते हैं चेंजिंग थोड़ा, बिशप G5 के बदले अगर कैसलिंग भी नहीं किया, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं नाइट F6 रिप्लाई दिया। अब हमने देखा कि कैसलिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है, बिशप G5 भी देख लिया हमने, उसमें भी वाइट को कोई फायदा नहीं हो रहा है और कैसलिंग में भी वाइट को कोई फायदा नहीं हो रहा है। मानो कि यहाँ पे 6th मूव में ही पॉन मार दिया C takes D4। C takes D4 में आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपल बिशप चेक देना है, बिशप टू B4। नाइट C3 इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन नहीं है नाइट C3, हालांकि पुरानी जो ओपनिंग थी गुइको पियानो इसमें एक ट्रैप थी, नाइट E4 आपको अलाउ करते हैं, नाइट E4 के बाद वाइट कैसल करता है, फिर नाइट टेक C3 करते हैं और उसमें ब्लैक फंस जाता है ट्रैप में। लेकिन अब वो इतनी फेमस हो चुकी है कि कोई भी ब्लैक प्लेयर ट्रैप में फंसेगा नहीं। नाइट C3 में आपको सिंपल रिप्लाई देना है नाइट टेक्स E4, वाइट कैसल करता है तो यहाँ पे सबसे बढ़िया मूव है बिशप टेक C3, ट्रेड कर लो लेकिन बिशप से करो नाइट से नहीं। आफ्टर B takes C3 यहाँ पे एक और मूव है B takes C3 में सिंपल आप कैसल कर लोगे और ब्लैक को कोई नुकसान नहीं है, या D5 भी कर सकते हो यहाँ पे। तो दोस्तों B takes C3 के बदले वाइट एक अग्रेसिव लाइन खेलना चाहता है, जैसे कि उसने D5 किया काउंटर अटैक। यहाँ पे D5 के रिप्लाई में आपको सबसे बढ़िया बिशप F6 वापस ले लो, हालांकि आपने एक पॉन एक पीस ले लिया है वाइट का तो आपको वापस देना तो जरूरी है। तो D6 इसके बाद देखते हैं, अगर वाइट ने दो ऑप्शन है D takes C6 और दूसरा ऑप्शन RE1 आपके इस नाइट पे पिनिंग करके अटैक करना, दोनों के रिप्लाई देखते हैं। D takes C6 में आपको खेलना है B takes C6 और उसके बाद रुक E1, यहाँ पे आपको सिंपल D5 करना है, पॉन को नाइट को सपोर्ट भी मिल जाएगा और D5 के बाद दोस्तों D5 से पहले भी मैं आपको एक इंटरमीडिएट मूव बताता हूँ, D5 नहीं करोगे और कैसलिंग करोगे तब भी ब्लैक को कोई लॉस नहीं है, क्योंकि R cross E4 में D5 और उसके बाद आपको पीस वापस मिल रहा है, तो ये भी बढ़िया लाइन होगी।
तो दोस्तों दूसरी देखते हैं, 10th मूव में जैसे कि B takes C6 नहीं किया वाइट ने और अभी ही Re1 कर दिया, तो आपको ये नाइट E7 ला देना है। Ne7 के बाद क्या होगा, रुक क्रॉस E4, ये तो कंपलसरी मूव है। यहाँ पे आपको सिंपल कैसल करना है या फिर यहाँ D6 करके भी खेल सकते हो। D6 कर दिया और यहाँ वाइट खेलेगा Bishop to G5, आपके पॉन डबलिंग की थ्रेट है। सिंपल बिशप ट्रेड कर लो, नाइट टेक्स बिशप और यहाँ पे आपको कर देना है कैसल। अब देखो दोस्तों, क्वीन H5 से कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल बिशप से रुक पे अटैक और बिशप H7 सपोर्ट में मिल जाता है। तो यहाँ पे बिशप F5 के बाद कंप्लीटली ब्लैक के फेवर में है। आप पोजीशन देखो, 4+3 7 पॉन वर्सेस 6 पॉन, एक पॉन भी अप हो और पोजीशन भी अप हो, पीसेस डेवलपमेंट भी हो चुका है। जैसे कि रुक E1 जाता है या रुक E2, यहाँ पे बिशप G6 और आपकी गेम कम्प्लीटली फेवर। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि रुक E1 के बदले रुक बैटरी बनाने के लिए वाइट अगर रुक E2 खेलता है, अब आपने बिशप G6 किया और वाइट ने एक और भी मिस्टेक कर दी, मानो कि क्वीन F3, तो यहाँ पे सिंपल विनिंग गेम है नाइट F5 विद द थ्रेट ऑफ क्वीन टू नाइट और दूसरी थ्रेट है नाइट D4। तो दोस्तों ये है हाउ टू प्ले अगेंस्ट स्कॉच गैम्बिट। इसके बारे में और भी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बहुत सारे वीडियो पूरी लाइन के साथ आपको मिलने वाले हैं। जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, जय गुजरात।